अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कांस्टेंट से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे कि कांस्टेंट होता क्या है, इसके यूज़ करने का पर्पस क्या है, इसकी कितनी टाइप्स है, इसके डिफरेंट टाइप्स आज हम देखेंगे। कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज में हम कांस्टेंट को कैसे यूज़ करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कांस्टेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या है कांस्टेंट? एक क्वांटिटी है, मतलब एक वैल्यू है जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, किसके दौरान? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में और उसको क्या है आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। हमने वेरिएबल में पढ़ा ना कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंजेबल है। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल ए की वैल्यू जो है क्या रखी, 10 रखी। हम उसी प्रोग्राम में नेक्स्ट आगे जाके कुछ स्टेप्स के बाद हम ए की वैल्यू को 20 कर सकते हैं, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, वेरिएबल था, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब हमने इसको, अगर ए को हम कांस्टेंट बना देते हैं, उसकी वैल्यू 10 है, तो प्रोग्राम में जब भी हम आगे फर्दर ए को यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 10 रहेगी। अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू जो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो एक दफ़ा डिफाइन कर दी है हमने मतलब वैल्यू डिफाइन कर दी है कांस्टेंट में, वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा डिफाइन कर दी उसके बाद जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज करवा सकते हैं। टाइप्स कितनी हैं हमारे पास, ये टाइप, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। कॉन्स्टेंट क्या है, कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। क्वान्टिटी वैल्यू जो है उसकी कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है जी, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट। 3 टाइप्स हैं जी हमारे पास, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, करेक्टर कांस्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जी ये न्यूमेरिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। न्यूमेरिक से हमें पता चल रहा है कि ये किस पर मुश्तमिल करता है, नंबर्स पर, 1 पर, 2, मतलब इस तरह के किसी नंबर पर जो है वो कांस्टेंट मुश्तमिल होता है, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारे पास क्या आते हैं, कंसिस्ट ऑफ नंबर, इस तरह के कोई नंबर्स पर जो है वो कंसिस्ट करता है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट को जो है वो हम फर्दर 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहली टाइप क्या है जी हमारे पास, इंटीजर टाइप कांस्टेंट है, ठीक है। अब इंटीजर और सेकेंड वाली क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब देख लेते हैं इंटीजर कांस्टेंट क्या है हमारे पास। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट। अच्छा जी, फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट क्या है, आप बोल सकते हैं जो पॉइंट्स मतलब इशारे वाले नंबर होते हैं, जैसे 10.5 हम लिखते हैं, ठीक है। ये जो है ये फ्रिक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को जो है वो क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन या डेसिमल पॉइंट, हम उर्दू में इसको इशारे वाले नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इसको बोल रहे हैं ये फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट, ठीक है। हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट, मतलब हमारे पास जो इंटीजर कांस्टेंट वो होते हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स हैं, फ्रिक्शन वाली वैल्यूज के बगैर आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, ठीक है, ये क्या है, इनके साथ जो है वो पॉइंट्स नहीं आ रहा, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, ये पूरा एक एग्जैक्ट नंबर है, 30 हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इंटीजर वैल्यूज जो विदाउट फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जो हमेशा ये वाला कह रहे हैं ना नंबर्स को, इनको बोल रहे हैं कि इनके बगैर जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो वैल्यूज हम काउंट कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हम क्लास में स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 10.5 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अंडरस्टूड है कि स्टूडेंट या तो होगा
या नहीं होगा, ठीक है, या तो वो 1 होगा या तो वो 0 होगा, ठीक है। वो 1.5 तो नहीं हो सकता कि मतलब एक है स्टूडेंट और एक आधा स्टूडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं ना होता। इसलिए कह रहे हैं कि जिनको हम प्रॉपर काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्या हम बोलते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो काउंटेड होते हैं। और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे चेयर्स हैं, हम काउंट करें तो हम ये तो नहीं कहते कि 20.5 चेयर्स हैं, मतलब जो हाफ चेयर टूटी हुई है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं जो हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर कॉन्स्टेंट्स आर यूज इन सी लैंग्वेज। कह रहे हैं पॉजिटिव भी हमारे पास जो है नंबर्स यूज़ किए जाते हैं और नेगेटिव भी, ठीक है। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स बता दें, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जो विदाउट फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट के बगैर लिखे जाते हैं, जैसे पूरा एक नंबर 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पॉजिटिव भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं और नेगेटिव भी वैल्यूज़ होती हैं। द माइनस साइन इज़ यूज फॉर नेगेटिव इंटीजर कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिस वैल्यू के साथ, देखिए 10 के साथ माइनस का यूज़ किया गया है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इंटीजर कॉन्स्टेंट क्यों बोला, क्योंकि ये एक कम्प्लीट नंबर है, ये पॉइंट या डेसिमल पॉइंट्स में या फ्रिक्शन में लिखा नहीं हुआ, मतलब 10.5 तो नहीं लिखा हुआ ना, एग्जैक्ट नंबर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ़ नो साइन इज़ यूज द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जिस वैल्यू के साथ, ये अंडरस्टूड होता है कि जिस वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ, ना माइनस ना प्लस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव नंबर कहलाएगा, ठीक है। जिसके साथ माइनस का साइन लगा होगा वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर कॉन्स्टेंट। और जिसके साथ कोई भी, हम यहाँ प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, अब प्लस से तो पता है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर किसी के साथ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमारी क्या टाइप है जी, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट क्या है जी, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विद फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं, हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो, ठीक है, जिनके साथ फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट, मतलब इशारे वाले नंबर, फॉर एग्जांपल 10.5, जिनके दरमियान ये पॉइंट आ जाता है, ये डेसिमल पॉइंट इसको बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है, आ जाता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हमने उर्दू में आपको जैसे समझ आ रही हो तो क्या होता है, इशारे वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग। अब आप ये जो है 10 सिंपल जो है ये हमारे पास क्या है, इंटीजर, लेकिन जैसे ही इसके साथ डॉट 5 लगा दिया, डेसिमल पॉइंट लगा के 5 लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेजर्ड, ठीक है। अब ये कौन सी, वो ऊपर हमने देखा था इंटीजर वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो काउंटेबल होती हैं, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स को, पर्सन्स को हम काउंट कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि पर्सन जो है वो 10.5 है, कभी ऐसा हुआ है नहीं। अब ये क्या, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, वो नंबर्स जो मेजर किए जा सकें, जैसे आप अपनी हाइट को मेजर करते हो, किसी की जो है वो 4.5 होती है, 5.2 जो है वो हाइट होती है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास मेजर किए जाते हैं, जैसे आप और भी चीज़ें जो हैं वो आप मेजर करते हैं, जैसे मिल्क जो है वो हम 1.5 लीटर, मतलब 1.5 kg जो है वो लेते हैं, ठीक है। इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं जो मेजर की जा सके, जिनकी जिनके जो है पॉइंट्स में आने का अंदेशा हो, वो क्या होती है हमारे पास, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जैसे वेट है आपका, वेट आपका हो सकता है कि 40 भी हो, ठीक है, 40.5 भी हो, ठीक है, ये क्या है, ये मेजर कर रहे हैं हम। हाइट को मेजर किया जा सकता है, 4.5 किसी की हाइट हो सकती है, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज जो मेजर की जा सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ठीक है। आगे क्या है जी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। जैसे हमारे पास इंटीजर्स
के भी फ्लो जो है नेगेटिव जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, इसी तरह इसमें क्या है कि हमारे पास बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स आर यूज इन सी प्रोग्राम. ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज भी हम यूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव भी. द माइनस साइन इज यूज फॉर नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इफ नो, ठीक है, जब जिस वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है, और जिस जैसे ऊपर अभी हमने इंटीजर में पढ़ा सेम वैसे ही, अब इसके साथ कोई भी जो है वो साइन नहीं लगाया तो ये अंडरस्टूड है कि ये कौन सी वैल्यू है, ये पॉजिटिव की वैल्यू है. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस लगा देते तब भी अंडरस्टूड है कि ये कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है, एग्जांपल्स आप देख लें 50.75, मतलब पॉइंट्स में जितने भी आपके नंबर्स आएंगे वो क्या कहलाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट हमारी कौन सी टाइप है जी, करैक्टर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, अब देख लेते हैं ये कॉन्स्टेंट्स की हम टाइप्स पढ़े. पहले हमने क्या पढ़ी थी, देख लें, पहले हमने न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स पढ़ी थी, उसमें जो है वो फर्दर टू टाइप्स थी, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट. उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो कौन सी है हमारे पास, करैक्टर कॉन्स्टेंट. करैक्टर कॉन्स्टेंट देख लेते हैं जी क्या है, एनी करैक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क इज नोन एज करैक्टर कॉन्स्टेंट. अब वो क्या कह रहे हैं कि सिंगल कोटेशन मार्क में, फॉर ये है सिंगल, ये जो हम लगाते हैं ना कोमास, ये सिंगल कोटेशन मार्क के सेंटर में हम कोई भी करैक्टर लिख देते हैं. ठीक है, कोई भी करैक्टर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने ए लिख दिया इन सिंगल कोटेशन मार्क के दरमियान, तो ये क्या कहलाएगा, करैक्टर कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ आ सकता है. ऑल अल्फाबेट करेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज्ड एज करेक्टर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसके दरमियान, ये देखिए एग्जांपल में इसमें अल्फाबेट करेक्टर्स भी आ सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई डिजिट्स भी आ सकता है. डिजिट्स हमारे पास क्या होते हैं, 1, 2 कोई नंबर. ठीक है, 2, 3 मतलब ये सारे क्या है, ये हमारे पास डिजिट्स होते हैं. ठीक है, अब देख लें हमारे पास क्या है, ये अगर हम सिंगल कोटेशन मार्क में 9 लिख देते हैं तो ये भी एक क्या कहलाएगा, करैक्टर कॉन्स्टेंट. मतलब जो भी इन सिंगल कोटेशन मार्क में आ जाएगा वो कहलाएगा हमारे पास करैक्टर कॉन्स्टेंट. ठीक है, उन्होंने कहा है कि स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज. स्पेशल सिंबल्स हमारे देखें इक्वल का साइन है, इस तरह के जितने भी ये डॉलर साइन है, इस तरह के जितने भी सिंबल्स आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आप सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, करेक्टर कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब देख लेते हैं आगे क्या है जी. द मैक्सिमम लेंथ, इसको रेज कर लेते हैं ताकि रीड किया जा सके. क्या है जी, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ करेक्टर कॉन्स्टेंट इज 1 करेक्टर. अब ये देख लें जी, उन्होंने बता दी है कि करेक्टर कॉन्स्टेंट की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1 करेक्टर. मतलब सिर्फ 1 करेक्टर ही उसके अंदर आना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह से लिखती हूँ ए बी, ठीक है, अब ये क्या है, ये करेक्टर कॉन्स्टेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 2 हो गई है. ठीक है, जबकि उन्होंने उसकी लेंथ क्या कहा है कि उसकी लेंथ जो मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1 होनी चाहिए. ठीक है, 1 से ज्यादा अगर कोई भी करेक्टर कॉन्स्टेंट में वैल्यू आती है, ठीक है, तो वो करेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं कहलाएगा. ठीक है, वो क्या कहलाएगा, फिर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट. नीचे देख लेते हैं, अब आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो है करेक्टर कॉन्स्टेंट में कितनी जो है वो करेक्टर्स की लेंथ होनी चाहिए, जस्ट 1 करेक्टर होना चाहिए. ठीक है, अब उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स भी आप देख लें, जैसे ए जो है उन्होंने सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है. ठीक है, ये देखें ए जो है, ए को जो है वो सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है मार्क, ये भी क्या है, इसकी लेंथ देखें ले ए है, तो ये क्या कहलाएगा, करेक्टर कॉन्स्टेंट. एंड जो है वो हमारा सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा गया है, ये क्या कहलाएगा, करेक्टर कॉन्स्टेंट. ठीक है, हमने ये पढ़ा है, ये 9 भी देख ले, हमने ये पढ़ा है ना कि करेक्टर कॉन्स्टेंट में कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है हमारे पास,
अल्फाबेटिक करेक्टर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स मतलब 0 to 9 में से कोई भी डिजिट्स आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स आ सकते हैं, इक्वल प्लस माइनस डॉलर साइन हैश का साइन, ये सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास करेक्टर कॉन्स्टेंट्स में आ सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये करेक्टर कॉन्स्टेंट है? उस वैल्यू के साथ, उस करेक्टर के साथ जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क होगी, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, करेक्टर कॉन्स्टेंट है। उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट देख लेते हैं जी। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है जी? अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि डबल कोटेशन मार्क में, इस तरह डबल कोमास लगा के इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोटेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। इनके सेंटर में जो भी लिखा जाएगा, जो भी करेक्टर्स लिखे जाएंगे, करेक्टर्स क्या होंगे, अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ऊपर हमने बोला था सिर्फ एक करेक्टर जो उसकी लेंथ है, एक करेक्टर की होनी चाहिए सीन जो हमारे पास था, ठीक है। इसमें किसमें बड़ा करेक्टर कॉन्स्टेंट में जो है हमारे करेक्टर की लेंथ जस्ट वन होनी चाहिए, और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, मतलब करेक्टर्स का कलेक्शन, मतलब एक से ज्यादा करेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। और उसकी लिखने का जो सिंटेक्स है वो क्या है, हमने ये डबल कोटेशंस के अंदर करेक्टर्स को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी सी, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम किस में लिखते हैं, डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, और उसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फाबेटिक करेक्टर्स डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। इन जो है ये किस पर मुश्तमिल करते हैं, मतलब करेक्टर्स हमारे किस टाइप के हो सकते हैं, अल्फाबेटिक करेक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई डिजिट्स भी हो सकता है, मतलब 0 to 9 तक की वैल्यूज का कम्बिनेशन भी हो सकता है, डिजिट्स एनी डिजिट्स भी हो सकता है, और इसके बाद क्या है जी, स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशल करेक्टर्स में हैश है, ठीक है, एट द रेट है, मतलब इस तरह के जो सिंबल्स हैं वो भी हम अपने स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट आर, ये देखें अब क्या है हमारे पास, डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो है वो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये भी देख लें, हम कोई डिजिट्स भी लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद ये देख लें हम डिजिट्स का, ठीक है, ये सिंबल का यूज़ किया है हमने, ठीक है, ये देख लें ये स्पेशल सिंबल्स का जो है वो हमने यूज़ किया हुआ है, और ये किस में लिखा हुआ है, डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब हमने देख ली कांस्टेंट्स की हमारे पास कितनी टाइप्स थी, तीन टाइप्स थी हमारे पास। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट थी जो फर्दर टू टाइप्स में जो है वो डिवाइड की गई थी, उसके बाद एक थी इंटीजर कांस्टेंट, दूसरी क्या थी, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, उसके बाद क्या है जी, करेक्टर कांस्टेंट था, थर्ड टाइप क्या थी, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अगर इस टॉपिक में आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।